हेलो फ्रेंड्स, अभी जो कि मेरे पास है ओप्पो का A37 FW मॉडल है। A37 जो फ़ोन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, हम अगर चार्ज लगाएंगे तो फ़ोन ऑन होगा। अभी देखिए मैं चार्जिंग पे लगाया हूँ, देखिए अभी चार्जिंग भी मेरा मिनिमम 80% 90% चार्जिंग है, लेकिन फ़ोन जो कि ऑन हो रहा है बंद हो जा रहा है। अभी देखिए ये मिनिमम 80-90% चार्जिंग है, मैं चार्जिंग लगा के अगर ऑन करूँगा सेट को तो सेट ऑन होगा और सेट जो कि चालू रहेगा। अगर सेट को चार्जिंग निकाल देता हूँ तो फ़ोन जो कि बंद हो जाएगा। ये जो कि प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये बैटरी में प्रॉब्लम है, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैटरी में प्रॉब्लम है, आप नया बैटरी लगाएंगे तो आपको 800-900 रुपया, या केयर में लगाएंगे ओरिजिनल तो आपको 1500 तक आपको चार्ज लग जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कि बैटरी रिपेयरिंग हो सकता है, आपको कुछ भी आपको चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री में आप बैटरी रिपेयरिंग करके चला सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ है, इसमें बैटरी का प्रॉब्लम, तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखाई देता हूँ। फ़ोन देखिए अभी ऑन हो रहा है, तो अभी जो कि देखिए सेट जो कि ऑन हो रहा है, अभी देखिए फ़ोन ऑन हो गया। अभी आप जो भी चाहेंगे, आप लॉक खोल के आप जो भी चाहें चला सकते हैं। मैं भी अभी देखिए लॉक में जो कि खोल रहा हूँ, अभी फ़ोन जो कि हमारा अनलॉक हो रहा है, अनलॉक हो गया। अभी जो भी आप चलाएँगे, अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है फ़ोन, लेकिन अब थोड़ा सब कुछ काम करेगा। लेकिन जब मैं चार्जिंग निकाल दूंगा, ये चार्जिंग मैंने निकाल दिया, देखिए मैं कोई भी एक ऑप्शन पर अगर क्लिक करता हूँ तो फ़ोन जो कि देखिए बंद हो जाएगा, बस बंद हो गया। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। अगर मैं बिना चार्जर के मैं ऑन करूँगा तो फैन सेट जो ऑन होगा, लेकिन ऑन होगा बंद हो जाएगा, ऑन होगा बंद हो जाएगा, ऐसे रिस्टार्ट होगा। अभी देखिए मैं ऑन किया हूँ, ऑन हो रहा है नहीं, फिर से ट्राई करता हूँ। अभी देखिए मोबाइल देखिए ऑन हुआ, लेकिन ऑन होगा बंद हो जाएगा। अभी देखिए ओप्पो लिखा आ रहा है, लेकिन वो ऑन पूरा ऑन नहीं होगा, बस बंद हो गया। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। इसको शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे करेंगे ना, बैटरी को हम रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं पहले बैटरी को पूरा निकाल देता हूँ, बैटरी को निकाल दिया, फ़ोन में हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। यही बैटरी में आपको मैं चला के दिखाऊँगा फ़ोन, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अभी आप देखिए यहाँ पे बैटरी को ऐसे आप खोलने के बाद, यहाँ पे आपको देखिए एक रजिस्टर जैसा है, एक कंपोनेंट है इधर लेफ्ट साइड में है, तो उसको भी मैं अभी पूरा मार्किंग करके दिखाऊंगा। ये वाला है, यहाँ पे एक देखिए ये वाला देखिए एक रजिस्टर जैसा है, एक कंपोनेंट। इसको हम क्या करेंगे ना, शॉर्ट करेंगे सोल्डिंग आयरन से, जंपर वायर से, ये जो कि दो पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से प्रॉब्लम हमारा शॉर्ट आउट हो जाएगा 100%। तो मैं आपको और दोबारा ट्वीजर लगा के भी दिखाई दूंगा कैसे, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं भी शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो अभी देखिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए एक जंपर वायर की मदद से दो पॉइंट को मैंने सोल्डिंग आयरन से शॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो बैटरी कंपोनेंट को शॉर्ट हो जाने के बाद, उसके बाद मैं फ़ोन को पूरा चलाऊंगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ना वीडियो लंबा होगा, क्योंकि ना मैं पूरा चला के एक दो मिनट पूरा चला के दिखाऊंगा, फ़ोन जो कि पावर ऑफ नहीं होगा। तो अभी मैं बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन कर देता हूँ। कौन कर दे सब कर दे किसी करना ये मन भल ना टाँव भी ना टाँव दुनिया खर्च मोर हम कनेक्ट कर दिया मैंने, ऑन करूंगा थोड़ा फोन हमारा ऑन होने वाला है। अभी देखिए फोन हमारा पावर ऑन हो गया। अभी हम इसमें चाहेंगे तो कुछ भी हम चला सकते हैं। तो लॉक मैंने ओपन कर दिया, फोन भी देखिए हैंग जो हो रहा था पहले से, अभी हैंग नहीं हो रहा है। और फोन देखिए जो कि सारे जो कि काम कर रहा है बिना बैटरी में, सॉरी बिना चार्जर में। ठीक है, मुझे चार्जर अभी तक लगाना नहीं पड़ा है। मैं पूरा आपको अभी एक मिनट पूरा चला के दिखाऊंगा। ठीक है, ना 100% काम करेगा, कुछ भी आपका ये प्रॉब्लम पूरा 100%। अगर आप चार्जिंग लगा के फ़ोन चल रहा है
या तू ऑन करने के बाद बोली इतना बंद हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।